हेलो डियर स्टूडेंट्स, की हाल चाल ने तुहाडे। सो जिस तरह कि तुहानू सारयां नू पता है कि असी NTSC शिक्षा की जिहड़ी सीरीज़ है फॉर NTSC मैट सैट एग्जाम प्रैपरेशन वो शुरू की हुई है। एंड एक दिन आपां मैट के क्वेश्चन डिस्कस करते हाँ, तो नैक्सट डे आपां जिहड़े हन सैट के क्वेश्चन डिस्कस करते हाँ। सो टूडे इज़ द फोर्थ लैक्चर ऑफ दिस सीरीज़ एंड आज जेडे असी क्वेश्चन डिस्कस करांगे दैट इज सैट 30 प्रीवियस ईयर MCQs एंड लेट अस स्टार्ट अवर लैक्चर्स। सो पहले जेडे क्वेश्चन सब तो पहले आपां डिस्कस करांगे दैट इज रिलेटेड विद साइंस, दैन वी विल डिस्कस SST क्वेश्चन एंड दैन वी विल डिस्कस मैथ्स क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी मूव्स ऑन 3/4 ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट आर। सो एक डिस्प्लेसमेंट जिन्हों आपां विस्थापन कह दें हाँ, सो जिहड़ा तुसीं मोशन वाला चैप्टर पढ़िया है उम्मीद करते हाँ कि तुसीं उन्हों बहुत ही डिटेल दे नाल पढ़िया होएगा। सो जिन्हां बच्चों वो वाला चैप्टर चंगी तरह आता है, सो डिस्प्लेसमेंट ते डिस्टेंस दी जिहड़ी रेशो है उन्हों जिहड़ा है वह फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ मैनी स्टूडेंट कैन आंसर दिस। हुण बेटा जी जे तुसीं ध्यान दे नाल देखो वो की कह रहा है कि 3/4 ऑफ ए सर्कल, कि सर्कल जे फॉर एग्जाम्पल मैं इत्थे डॉटड लाइन दे विच एक कंप्लीट सर्कल जे मैं ड्रा करा, तो 3/4 सर्कल दे विच 4/4 हुंदे हन, ठीक है ना। हुण उन्हें जिहड़ा डिस्टेंस है वो किन्ना ट्रैवल किया है, 3/4 तक जिहड़ा है बॉडी जिहड़ी है वो मूव कर रही है। सो फॉर एग्जाम्पल जे वो पी पॉइंट तो शुरू हुई तो वह क्यू पॉइंट तक जिहड़ी आके वो रुक गई। हुण वो पुछ की रहे हैं कि उन्हें जिहड़ी है डिस्प्लेसमेंट, सो डिस्प्लेसमेंट जिवें आपां डिस्कस किया सी दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हुण शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिहड़ा है पी ते क्यू दे विचकार वो ए वाली लेंथ होएगी। हुण इहनू आपां फाइंड किस तरह कर सकते हाँ, सो इफ दिस इज़ ओरिजन सेंटर सर्कल का, दिस इज़ आर, साडे कोल एक ट्रैंगल बन गई ओ पी क्यू। सो पी क्यू की है, पी क्यू हाइपोटेन्यूज है एंड हाइपोटेन्यूज किहदे बराबर हुंदा है, बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, सो दैट इज इक्वल टू 2r² एंड आर बार आ जाएगा एंड साढ़े को पी क्यू जी है डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, सो दैट इज आर अंडर रूट ऑफ 2। हुण बेटा जी डिस्टेंस जिहड़ा है वो टोटल उन्हें इस तो लैके इत्थे तक किन्ना दूरी तय की, सो दूरी जे आपां सर्कल दे सरकमफ्रेंस की गल करिए जिन्हों आपां घेरा कह दें हाँ, सो टोटल सरकमफ्रेंस जिहड़ा है वो किहदे बराबर है, 3/4 हिस्सा उन्हें ट्रैवल किया, सो टोटल 2πr के बराबर है। सो ये कि बराबर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 3/2 × πr, ये साडा की हो गया दिस इज आवर डिस्टेंस। हुण आपां डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस जिहड़ा है उहदी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज आर अंडर रूट ऑफ 2 × 3/2 × πr। सो इनू जदों तुसी वैल्यूज़ नू पुट करोगे ये उपर चल जाएगा 2, तो साडे कोल केड़ी ऑप्शन जिहड़ी आएगी, सो दैट इज़ ऑप्शन बी। सो आर अंडर रूट 2 साडे कोल जिहड़ा है वो डिस्प्लेसमेंट आ रही है एंड 3πr/2 जिहड़ा है दैट इज़ साडे कोल डिस्टेंस आ रहा है। सो ऑप्शन बी जिहड़ी है दैट इज़ द करैक्ट आंसर। सो जिन्हां बच्चों ने बी ऑप्शन ते टिक किया है सो उन्हां दा जिहड़ा आंसर है वो बिल्कुल सही है। सुरजीत कुमार, रुपिंदर कौर, हरप्रीत ने बिल्कुल सही आंसर किया है। सो नैक्सट क्वेश्चन इज ग्राफ रिलेटड प्रॉब्लम्स, वेलोसिटी टाइम ग्राफ सानू एक दिता होया है एंड इस ग्राफ नू देखते हुए तुसी जिहड़ी है करैक्ट ऑप्शन जिहड़ी है उन्नू पिक करना है। पहली ऑप्शन की है ए यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, कि एक्सलरेट कर रही है बॉडी लगातार, ए नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, कि बॉडी जिहड़ी है रिटार्डेशन जिस तरह कि तुहानूं पता सी कि नैगेटिव ऑफ एक्सलरेशन, कि जदों आपां ब्रेक लगाने हाँ तो उदों की हुंदी है
रिटार्डेशन होंगी है। सो रिटार्डेशन जी है वो एक्सलरेशन का उल्ट है। तीसरी ऑप्शन है यूनिफॉर्म स्पीड, तो चौथी ऑप्शन है इनिशियल वेलोसिटी ओ ए एंड इज मूविंग विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। हुण बेटा जी तुसी ग्राफ नूं ध्यान दे नाल देखो, वो ए तो लैके बी तक जिहड़ा है वो नीचे नूं मूव कर रहा है। सो इहदे विच बॉडी की जिहड़ी इनिशियल जदों टाइम जीरो है उहदी वेलोसिटी किन्नी है ओ ए है। सो उहदी इनिशियल वेलोसिटी किन्नी है ओ ए है एंड उहदी जिहड़ी वेलोसिटी है जिद्दां जिद्दां टाइम अगे नूं वध रहा है वो बॉडी की जिहड़ी वेलोसिटी है वो तुसी देखोगे कि उहदी वेलोसिटी घट रही है क्योंकि उहदी वैल्यू घट रही है इधर नूं थल्ले नूं आ रही है। सो जदों वेलोसिटी घट रही है तो जिहड़ा एक्सलरेशन की होएगी वो नैगेटिव होएगी। सो बॉडी की कर रही है वो रिटार्ड कर रही है। सो इहदा करैक्ट ऑप्शन की है, दैट इज ऑप्शन डी कि बॉडी जिहड़ी है वो लगातार रिटार्ड कर रही है, लगातार जड़ी है उसकी एक्सलरेशन डिक्रीज हो रही है। सो ऑप्शन डी जिन्ना बच्चों ने जड़ा क्लिक किया है, सो दैट इज़ द राइट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी, कि एक बॉडी के उत्ते जड़ी है वो किन्नी फोर्स लग रही है, 100 न्यूटन लग रही है। सो अपलाइड फोर्स जड़ी है आपां किन्ना बल लगा रहे हाँ 100 न्यूटन एंड बॉडी जड़ी है वो रेस्ट दे उत्ते रह रही है कि बॉडी नू इन्नी फोर्स लगान तो बाद भी जड़ी बॉडी है बॉडी इज एट रेस्ट। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो इहदा मतलब की है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जड़ी है वो ज्यादा है, सो तां ही जड़ी बॉडी है वो अगे मूव नहीं कर रही। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जड़ी है वो ओपोजिट डायरेक्शन दे विच लगती है। बॉडी कदों मूव करेगी जदों उहदे ते वैल्यू जड़ी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नालों वध होएगी। सो बॉडी रेस्ट दे उत्ते है, इहदा मतलब कि जड़ी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन्नी लग रही है वह भी 100 न्यूटन लग रही है, तां ही जड़ी बॉडी है वह मूव नहीं कर रही। सो ऑप्शन बी जड़ा है दैट इज़ द करैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टेशनरी बाल वेइंग 0.25 kg एक्वायर्स ए स्पीड ऑफ 10 m/s, कि एक बाल स्टेशनरी बाल है सो उहदी जिहड़ा वेट दिता होया है उहदा सानू मास दिता होया है, सो दैट इज इक्वल टू 0.25 kg एंड वह जिहड़ी है किन्नी स्पीड अक्वायर कर लैंदा है, वह अक्वायर कर लैंदा है 10 m/s। स्टेशनरी का मतलब कि उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है वो जीरो है। सो पहले जड़ी बाल सी वो जीरो स्पीड दे उत्ते सी, सो इनिशियल स्पीड इज जीरो। सो द इंपल्स इंपार्टेड टू द बाल, इंपल्स आपां बेटा जी फाइंड आउट करनी है। इंपल्स का जिहड़ा फार्मूला हुंदा है, इंपल्स किहदे बराबर है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज कि उहदा मोमेंटम किन्ना चेंज होया, एम वी माइनस यू। सो यू जीरो है, मास उहदा 0.25, वी किन्ना है 10 माइनस जीरो, सो दैट इज इक्वल टू 0.25 × 10, दैट इज इक्वल टू 2.5 यूनिट तुसी लिख सकते हो केजी मीटर पर सैकेंड, जिन्हों आपां की कह सकते हाँ 2.5 newton into second। सो केड़ी ऑप्शन जड़ी है वो सही है, सो दैट इज़ ऑप्शन बी जड़ी है दैट इज़ द करैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नैक्सट क्वेश्चन इज रिलेटड विद कमिस्ट्री, ए शूगर सोल्यूशन कंटेन 15% शूगर बाई वेट, कि एक शूगर का सोल्यूशन है उहदे विच जे 100 g पानी है तो 15 g की है, सो उहदे विच 15 g जिहड़ी है वो खंड है। वैन द सोल्यूशन इज हीटड, कि जदों आपां सोल्यूशन नूं हीट करते हाँ तो 40% शूगर जिहड़ी है उहदे विच
रह जाती है, असी उस दसना है कि उहदे विच पानी किन्ना होएगा। हुण बेटा जी वैरी वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जे आपां पहली लाइन नूं ध्यान दे नाल समझिए, जे मैं सपोज कर लां लैट मास ऑफ सोल्यूशन इज, कि जे सोल्यूशन दा टोटल मास 100 ग्राम है, उहदे विच 15% शुगर है, इहदा मतलब मास ऑफ शुगर की है, दैट इज 15 ग्राम। सो जे 15 ग्राम खंड है ते बाकी जिहड़ा है मास ऑफ वाटर किन्ना होएगा, 100 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 85 ग्राम। सो सानू पहली कंडीशन पता लग गई। हुण जदों आपां उहनू सोल्यूशन नू हीट करदे हां ते जिहड़ा है सपोज कर लो कि न्यू अमाउंट जिहड़ा साडे कोल सोल्यूशन बचदा है वो एक्स ग्राम बचदा है। लैट न्यू अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इज एक्स ग्राम। हुण ये एक्स ग्राम जिहड़ा है इहदे विच उन्होंने की किया है कि इहदे विच 40% शुगर है। सो 40% शुगर का मतलब की है कि पहले सानू पता है कि खंड किन्नी सी 15 ग्राम। हुण जदों आपां पानी नू सोल्यूशन नू उबालदे हाँ बेटा जी, उहदे विच पानी जिहड़ा है वह तो भाप बन के उड जाता है, खंड जिहड़ी है वह उन्नी दी उन्नी रहिंदी है। सो एक्स का 40% वह कि बराबर आ गया 15 के, तो एक्स की वैल्यू वो तो आप कट लवेंगे, दैट इज इक्वल टू 37.5 ग्राम। हूँ जदों आपां हीट किया तो वो साढ़े जिहड़ा हीटिंग मास ऑफ सोल्यूशन किन्ना आ गया 37.5 ग्राम, यदा मतलब साडा सोल्यूशन जिहड़ा वो 100 ग्राम से वह 37.5 ग्राम रह गया। हुण उन्होंने पूछा है कि इस 37.5 दे विच पानी किन्ना है। हुण जे तुसी ध्यान दे नाल देखो मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ शूगर। सो ये साडे कोल हैगा 37.5 ग्राम, मास ऑफ वाटर जिहड़ा है आपां कढ लवांगे, तो मास ऑफ शूगर किन्ना है वो सानू पता है 15 ग्राम। सो मास ऑफ वाटर जिहड़ा है उहदे तो साडा आ जाएगा 37.5 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 22.5 ग्राम। सो इहदे विच इन्ना पानी रह गया। हुण वो पुछ की रहा है अमाउंट ऑफ वाटर विच इज डिसअपीयर्ड, कि किन्ना पानी जिहड़ा है वह उड गया। सो पहले पानी किन्ना सी 85 ग्राम सी, रह किन्ना गया 22.5 रह गया। सो उड किन्ना गया, सो उड गया साडे कोल 62.5 ग्राम। सो ऑप्शन बी जिहड़ी है दैट इज़ दी करैक्ट आंसर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो जिन्ना बच्चों ने जिहड़ा ऑप्शन बी है वो आंसर किया है दैट इज़ एब्सोल्यूटली राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 दे आर रिलेटेड विद बायोलॉजी। सो 6 क्वेश्चन की है, जॉन्डिस इज़ ए डिसीज ऑफ, सानू पता है कि जिहड़ी जॉन्डिस हो जाता है सो वो जिहड़ा साडा सीधा सीधा लिवर दे उत्ते अटैक करता है, मैदे दे उत्ते अटैक करता है। सो जॉन्डिस दे नाल जिहड़ा साडा लिवर डैमेज होने का खतरा होंदा है। सो जॉन्डिस इज़ ए डिसीज ऑफ लिवर। 7th क्वेश्चन, एन इनसैक्ट दैट ट्रांसमिट्स ए डिसीज, कोई भी इनसैक्ट जिहड़ा डिसीज नू ट्रांसमिट करता है उन्हूं आपां की कह दिंदे हाँ, उन्हूं आपां वैक्टर कह दिंदे हाँ, कि जिहड़ा डिसीज कैरीयर है सो उन्हूं आपां वैक्टर कह दिंदे हाँ। सो 7th का जिहड़ा करैक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी। सो 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एडिबल फंगी, कि इन्हां दे विचों केड़ी फंगी है जिन्हों असी खा सकते हाँ। सो म्यूकस, एग्रीकस, पेंसिलिन, राइजोपस। सो इन्हां दे विच तुसी एग्रीकस फंगी जिहड़ी है उन्हूं तुसी जिहड़ा है वो खा सकते हो। सो दैट इज़ ईडेबल फंगई। सो ऑप्शन बी जिहड़ी है दैट इज़ द करैक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9, इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वास डिस्कवर्ड बाय,
ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੂਰਮਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਅਪ ਟੂ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋਨ 10^-6 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਲ ਐਂਡ ਰੁਸਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰਚੰਦ ਯੂ ਆਰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਰਾਈਟ ਵਿਚ ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਇਜ਼ ਸਪਿੰਡਲ ਸ਼ੇਪਡ ਕਿ ਕੁੰਡੀਦਾਰ ਸ਼ੇਪ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮੂਦ ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਸਟਰੇਟਡ ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਕਾਰਡੀਅਕ ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਕਿ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਸਮੂਦ ਮਸਲ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਲੇਨ ਮਸਲ ਸੈੱਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਸਪਿੰਡਲ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 SST ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੈਟ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ NTSC ਦਾ ਜੇ ਟੈਸਟ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SST ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ SST ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏਗਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ SST ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ SST ਹਿਸਟਰੀ ਪੋਲਿਟੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜੋਗਰਾਫੀ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਟੋਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ SST ਦੇ 40 ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹ ਸਿਰਫ 10-12-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ 11th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡਡ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਪਾਰਟੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਉਸ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਫਾਊਂਡਰ ਹੈ ਲੈਨਿਨ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜਾ ਲੀਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੈਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਲੀਡਰ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੋ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਜੱਜਿਸ ਆਫ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਰ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਰਨਡ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਦੀ ਕੰਸਰਨਡ ਸਟੇਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਮਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਅਪੁਆਇੰਟਡ ਬਾਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਫ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਰਾਈਟ ਟੂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਕਿ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰੈਮਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹਨ ਆਰਟੀਕਲ 26 ਤੱਕ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੋ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟ ਪੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦੀਪੁਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੋਰਬਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਇਜ਼ ਇਨ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹਨ ਸੋ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕਾਜ਼ੀਰੰਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਅਸਾਮ
So moving to question number 15, impeachment against the president can be initiated by. So impeachment मतलब कि जे तुसी राष्ट्रपति जड़ा है उन्हों उतारना होए उदे जड़े जिन्ने टेन्योर उन्हों मिली है उदे तो पहले ते उन्हों उतारन दे ले जड़ा प्रोसेस है उन्हों अपा impeachment प्रोसेस कहने हां। सो ओ जड़ा impeachment प्रोसेस है राष्ट्रपति दा विरोध करन दा प्रोसेस ओ अपा कित्थों स्टार्ट करदे हां लोक सभा दे विच्चों राज सभा दे विच्चों जां किसी भी हाउस आइदर इन लोक सभा और इन राज सभा के सुप्रीम कोर्ट। सो जड़ा impeachment ऑफ द प्रेजिडेंट प्रोसेस है ओ किसी भी हाउस दे विच जड़ा है ओ स्टार्ट कीता जा सकता है आइदर इन राज्य सभा और इन लोक सभा। सो ऑप्शन सी जड़ा है दैट इज़ द करैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लोक सभा जड़ी है ओ स्ट्रोंग साड़ी सभा है जिदे विच जड़े एमपीज हन उन्होंने कोल ज़्यादा पावर्स हन। सो प्रोसैस जड़ा है इंपीचमेंट का अपना किसी भी हाउस के स्टार्ट कर सकते हाँ। सो जनरली जड़ा है सो इट इज़ स्टार्टड इन लोक सभा बट वी कैन स्टार्ट दिस प्रोसैस फ्रॉम एनी हाउस राज्यसभा दे विच्चों भी प्रपोजल रख सकते हाँ ते लोक सभा दे विच्चों भी रख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो हेठे दित्तियां नदियां दे विच्चों जिहड़ी पेनिसुलर इंडिया दियां जिहड़ियां रिवर्स हन ओ केड़ी इन्हां दे विच्चों अलग है। सो जिहड़ी नर्मदा नदी है नर्मदा नदी है सो दैट इज़ द डिफरेंट वन अमंग अदर्स। सो वो उल्ट जड़ी चलती है बाकियों के कंपैरेटिव। सो ऑप्शन बी जड़ी है दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मूविंग टू 17th क्वेश्चन द राज्यसभा हैज़ ए लाइफ ऑफ। राज्यसभा का जड़ा लाइफ है वो किन्नी हुंदी है 2 साल 6 साल 7 साल के परमानेंसी परमानेंट। हुण बेटा जी स्टेटमेंट नूं तुसीं ध्यान दे नाल पढ़ना है उन्हें राज्यसभा की लाइफ पूछी है। सो राज्यसभा जिहड़ी है उन्हूं आपां कदी भी जिहड़ा है डिमोलिश नहीं कर सकते वो एक परमानेंट साड़ी जिहड़ी है कंस्टीट्यूशनल बॉडी है। सो परमानेंसी इज़ द करैक्ट आंसर। जे इत्थे पूछिया हुंदा द टेन्यूअर ऑफ राज्यसभा मैंबर कि राज्यसभा दे विच जिहड़े मैंबर ऑफ पार्लीमेंट हन उन्हां दा टेन्यूअर किन्ना है फिर जिहड़ा उन्हां दा टेन्यूअर 6 ईयर्स दा हुंदा है। सो क्वेश्चन दे विच सानूं राज्यसभा दे टेन्यूअर बारे पूछा गया है। राज्यसभा जिहड़ी है इट इज़ ए परमानेंट कंस्टीट्यूशनल बॉडी। सो ऑप्शन डी जिहड़ी है दैट इज़ द करैक्ट आंसर। पूरन डेरी यू आर रोंग। सो उन्होंने मैंबर का टेन्यूअर नहीं पूछा उन्होंने राज्यसभा का ही पूछा है। सो दैट इज़ ए परमानेंट बॉडी। सो मूविंग टू 18th क्वेश्चन द वेरियस ग्रुप्स इन फ्रेंच सोसाइटी वर नोन एज। फ्रेंच दे विच जदों फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई छोटे छोटे ग्रुप्स दे विच जिहड़े उन्हां नूं वंड दित्ता गया। सो उस ग्रुप्स नूं जिहड़ा है आपां स्टेट्स दा नाम दिंदे हां। सो ऑप्शन सी जिहड़ी है दैट इज़ द करैक्ट आंसर। अडोल्फ हिटलर सो जिहड़ा जर्मनी दा शासक रहा है सो जिन्हें जर्मनी दे उत्ते ते बाकी जिहड़ियां यूरोप्स दीआं कंट्रीज़ दे उत्ते बहुत टाइम जिहड़ा है राज कीता। वर्ल्ड वार 2 जिहड़ी है शुरू कराने दे विच अडोल्फ हिटलर का ही जिहड़ा है मेजर हाथ सी। सो उहदा जन्म जिहड़ा है वह कदों होया सी। सो अडोल्फ हिटलर का जिहड़ा जन्म है वो 1899 ईस्वी दे विच होया सी। सो 1889 जिहड़ा है दैट इज़ द करैक्ट आंसर। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20 विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी बिलोंग्स टू कनिष्का डायनेस्टी। सो इन्हां दे विचों ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਸ਼ਾਨਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰ ਪੁਰਾਨਾਸ ਰਿਟਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਨਾਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਪੁਰਾਨਾਸ ਵਰ ਰਿਟਰਨ ਇਨ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ 22nd ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋਕ। ਸੋ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋਕ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਡੀਮੈਂਟਰੀ ਰੋਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਸੈਂਡਸਟੋਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰੋਕ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਮਾਰਬਲ ਔਰ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ।
सो सैंडस्टोन जड़ी है दैट इज़ ए टाइप ऑफ सेडिमेंटरी रॉक सो ऑप्शन ए जड़ी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर इन इंडिया एवरी स्टेट हैड ए लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा पार्लीमेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल के नन ऑफ दिस सो सानू पता है कि इंडिया दे विच जिन्नियां भी स्टेट्स हन हर एक दी अपनी विधानसभा है सो पांच साल बाद जिहड़े हन हर एक स्टेट दे जिहड़े हन उस स्टेट वाइज इलैक्शन हो के उस असेंबली दे विच जिहड़े हन MLA चुन के अपनी गवर्नमेंट बनांदे हन सो ऑप्शन ए जिहड़ा है दैट इज़ लैजिस्लेटिव असेंबली दैट इज़ दी करैक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 24th question, right to equality in our constitution has abolished the practice of inferring titles, untouchability, sati pratha, none of this. So, right of constitution, right of to equality de vich jada aapan apni constitution de vich jadi practice no abolish kita hai, that is the untouchability, shoot shot, pehle ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਟੱਚੇਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਬੋਲਿਸ਼ਡ ਇਨ ਆਵਰ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੋ ਨਾਓ few questions we will discuss related with maths so first question is if a raised to power m a raised to power n is equal to a mn then solve this equation sade kol ek equation ditti hui hai and apan onu solve karke jada hai ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ a ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਇੰਟੂ a ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ n ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ mn ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ a ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ m ਪਲੱਸ n ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ mn ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ m ਪਲੱਸ n ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mn ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ m n ਮਾਈਨਸ 2 ਪਲੱਸ m n m ਮਾਈਨਸ 2 ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਮ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 2 ਐਮ ਪਲੱਸ ਐਮ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 2 ਐਨ ਸੋ ਐਮ ਐਨ ਪਲੱਸ ਐਮ ਐਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਐਮ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 2 ਐਮ ਪਲੱਸ ਐਨ ਹੁਣ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ ਐਮ ਪਲੱਸ ਐਮ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਐਮ ਐਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2 ਐਮ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 2 ਐਮ ਐਨ ਸੋ ਦੋਨੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੋ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 26 ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ If x plus y is a and xy is equal to b, then find the value of 1 over x cube plus 1 over y cube. So, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ values ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਵਟਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਪਲੱਸ 1 ਵਟਾ y ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੇ LCM ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ x cube y cube is equal to x cube plus y cube. So, x cube plus y cube ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ x plus y ਦਾ cube minus 3xy into x plus y over xy ਦਾ cube. ਹੁਣ x plus y ਦੀ ਜਿਹੜੀ value ਹੈ
ओ किदे बराबर दिती हुई है, दैट इज इक्वल टू ए एंड एक्स वाई इज बी। सो पुटिंग दीज वैल्यूज, सो ये साडे कोल इक्वेशन की बन जाएगी, ए क्यूब माइनस थ्री बी इंटू ए ओवर बी क्यूब। सो दैट इज ए क्यूब माइनस थ्री ए बी माइनस थ्री ए बी ओवर बी क्यू। सो इन्हां दे विचों केड़ी आंसर जिहड़ा है दैट इज मैच कर रहा है, सो ऑप्शन बी जिहड़ी है दैट इज द करैक्ट आंसर। सो 26 दी जिहड़ी ऑप्शन बी है वो इहदा सही उत्तर है। सो 27th क्वेश्चन, सानू एक फिगर दित्ती हुई है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो इहदे विच आपां एक्स दी जिहड़ी वैल्यू है उहनूं फाइंड आउट करना है। हुण बेटा जी जे तुसीं ध्यान दे नाल देखो कि इहदे विच एंगल बी सी डी, बी सी डी एंगल किहड़ा है, बी ए वाला एंगल ते एंगल बी ए डी जिहड़ा है उह सानूं दित्ता होया है 30 डिग्री। हुण एक कॉमन कॉर्ड तों जिहड़े दोनों एंगल हन ट्रैंगल दे अंदर, ये दोनों एंगल बराबर होणगे। सो एंगल बी सी डी जिहड़ा है वह एंगल बी ए डी दे बराबर होएगा। सो वह किहदे बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो इन्हां नूं आपां की कहने हाँ, एंगल इन सेम सैगमेंट। हुण ट्रैंगल बी सी पी की जे आप गल करिए, सो ट्रैंगल बी सी पी दे विच आपां ए वाला टोटल एंगल फाइंड आउट करना है। सो इस ट्रैंगल दे तीन एंगल हैं, ए 30 डिग्री हो गया, सो एंगल एक्स प्लस एंगल बी सी पी प्लस एंगल बी पी सी, दैट इज ट्रैंगल दे तीन कोणा दा जोड़ किन्ना है 180 डिग्री। सो एंगल एक्स प्लस 30 डिग्री प्लस 25 डिग्री दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एक्स किन्ना आ गया 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री दैट इज इक्वल टू 125 डिग्री। सो ऑप्शन ए जड़ी है दैट इज द करैक्ट आंसर। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए मैनज वेजिस आर इनक्रीज्ड बाय 10% एंड afterwards decreased by 10%, then find the total change in percentage। हुण फॉर एग्जाम्पल आदमी की जो दिहाड़ी 100 रुपीज है तो उन्होंने आप 10% जो वधा दीए, 100 का 10% कितना होता है 10 रुपये, तो वो जी वेज कितनी बन जाएगी, वो 110 रुपये बन जाएगी। जे आपां इहनूं सपोज कर लईए कि पहले 100 सी, हुण उहनूं आपां डिक्रीज करता 10%, सो इहदा 10% किन्ना हुंदा है, सो दैट इज 11। सो 110 दे विच्चों आपां 11 घटावांगे ते उहदी जिहड़ी वेज बन जाएगी टोटल वह बन जाएगी 99। सो पहले किन्ने सी 100, बन किन्नी गई 99, सो किन्ना चेंज कर गया, सो दैट इज डिक्रीज बाय 1%। सो जिहड़ा सी है दैट इज द करैक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 29, इफ ए स्क्वायर इज इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, कि जे आपां एक सर्कल दे अंदर जिहड़ा है एक स्क्वायर नूं इनस्क्राइब करा दीए, then find the ratio of the area of circle to the area of square। हुण सर्कल सानू दिता होया, उदे अंदर आपां एक स्केयर फिट करता, सो सॉरी फॉर माई पुअर ड्राइंग। सो जिहड़ा स्केयर है जिहदियां साइडां चारे बराबर होणगियां। हुण बेटा जी जे तुसीं ध्यान दे नाल देखो कि if r is the radius of circle, स्केयर चारे साइडां बराबर हैं
सो जे एक साइड ए है तो यह कि बन जाएगा ए वटा दो बन जाएगा, यह कि बन जाएगा ये भी ए वटा दो बन जाएगा। हूँ पाइथागोरस लगा के तुसी इनू सॉल्व कर सकते हो। ट्रैंगल ओ ई बी जे मैं कंसिडर कर लाँ, इफ दिस इज ओ दिस इज ई एंड दिस इज बी, ट्रैंगल ओ ई बी दे विच जिहड़ा है ओ ई स्केयर प्लस ई बी स्केयर दैट इज इक्वल टू ओ बी स्केयर। सो ए वटा दो दा स्केयर प्लस ए वटा दो दा स्केयर वो किदे बराबर है ओ बी इज आर दा स्केयर। सो इहदे तो मेरे कोल ए दी जिहड़ी वैल्यू है उहनू मैं फाइंड आउट कर लाँगा, वो आ जाएगी टू ए स्केयर ओवर फोर दैट इज इक्वल टू आर स्केयर, ए स्केयर इज इक्वल टू टू आर स्केयर एंड ए दी जिहड़ी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट टू इंटू आर। हुण एरिया ऑफ सर्कल सानू पता है किदे बराबर हुंदा है, एरिया ऑफ सर्कल पुछया की है एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्केयर पुछया है। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्केयर, आर इज रेडियस, स्केयर दा एरिया लेंथ इन टू ब्रैथ, सो दोनों साइडा बराबर हैं ए स्केयर के बराबर आएगा। ए दी वैल्यू नू जे आपां पुट कर दिए ए स्केयर किते बराबर है टू इंटू आर दे बराबर आ जाएगा, टू आर स्केयर दे बराबर आ जाएगा। सो आर स्केयर ना आर स्केयर कटिया गया, सो एरिया ऑफ सर्कल ओवर एरिया ऑफ स्केयर जड़ी है वो आ जाएगी पाई रेशो टू। सो ऑप्शन ए जड़ी है दैट इज़ दी करैक्ट आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चन दे लई सानू पहले आर दी वैल्यू तो पता है, ए दी वैल्यू तो आर दे विच आपां रिलेशन फाइंड आउट करांगे, फिर जड़ा है आपां एरिए दी जड़ी रेशो है उन्नू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मूविंग टू दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लैक्चर, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज एन इक्यूलेटरल ट्रैंगल। सो एक पी क्यू आर ट्रैंगल है दैट इज इक्यूलेटरल, इक्यूलेटरल का मतलब की है कि उहदियां तिन्ने साइडां बराबर हैं, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू क्यू आर। जे सपोज कर लिए कि तिन्ना दी जिहड़ी लेंथ है वह किहदे बराबर है ए दे बराबर। हुण एंगल जिहड़ा है तिन्ने साइडां बराबर हैं तो इहदा मतलब तिन्ने एंगल बराबर होणगे, सो ट्रैंगल दे तीन कोणां दा जोड़ जिहड़ा है वह 180 डिग्री हुंदा है। सो एक एंगल जिहड़ा है एंगल पी आर क्यू किहदे बराबर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। हुण जे मैं फाइंड आउट किहड़ा एंगल करना है पी एस आर, पी एस आर आ वाला ट्रैंग एंगल जिहड़ा है इनू मैं फाइंड आउट करना है। हुण इस ट्रैंगल दे विच इन ट्रैंगल पी आर एस, पी आर इज इक्वल टू आर एस, क्यों, क्योंकि जिहड़ा एंगल पी एस आर है वो किहदे बराबर है एंगल एस पी आर दे बराबर होएगा। जे साइडां बराबर हैं तो एंगल भी ओपोजिट एंगल भी बराबर होंगे पी एस आर एंड एस पी आर। सो यह एंगल तो यह एंगल जिहड़े दोनों बराबर होंगे, सो ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल हूज साइड्स आर इक्वल। सो ये क्यों होंगे, क्योंकि एंगल ओपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। हुण इस ट्रैंगल दे विच जे पी आर एस 60 है तो वह बाकी एंगल किन्ने होंगे, सो एंगल पी आर एस ट्रैंगल पी आर एस दे विच साडे कोल किहड़े एंगल बन गए, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री। हुण बेटा जी आ वाला एंगल सानू पता है ए किहदे बराबर है, ए 60 डिग्री, ए इहदे ते परपेंडिकुलर है, ए एंगल 90 डिग्री होएगा।
सो पी आर एस कि बराबर हो गया 60 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। हूँ पी आर एस दे विच तीन एंगल बनते हैं, सो एंगल पी आर एस प्लस एंगल पी एस आर प्लस एंगल एस पी आर, सो तिना का जोड़ 180 डिग्री के बराबर आ गया। सो ए 150 है, ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x कि बराबर आ जाएगा 180 माइनस 150 30 डिग्री के बराबर, तो x कि बराबर आ जाएगा 15 डिग्री के बराबर, जिहड़ा एंगल है ए वाला आ जाएगा। एंगल पी एस आर जिन्हों आप x मनिया है वह कि बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। सो ऑप्शन डी जिहड़ा है दैट इज़ दी करैक्ट आंसर। सो 30 नहीं आएगा बेटा जी, 30 दोनों एंगलों का जोड़ है, x प्लस x 2x जिहड़ा है वह 30 डिग्री है। सो उन्होंने x कि बराबर आएगा 30 वटा 2 दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री के बराबर आएगा। सो ऑप्शन डी जिन्हों बच्चों ने क्लिक किया है दैट इज़ द राइट आंसर। सो दिस इज़ आल अबाउट टूडेज। सो आई होप कि तुहानू जिहड़े हन काफ़ी डाउट्स साइंस मैथ ते एसएसटी दे विच क्लीयर होए होणगे, तुहानू पता लग्या होएगा कि केड़ा केड़ा पोर्शन जिहड़ा है उहदे विच तुसी वीक हो, तां जो तुसी ओह वाले जिहड़े पोर्शनस हन उहनां दे उत्ते ज़्यादा स्टडी कर सको। सो इफ यू हैव रियली लाइक दिस टूडेज लैक्चर, क्लिक द लाइक बटन and press the bell icon to get all the other updates which we are sharing in our YouTube channel. So is video nu vadh to vadh share karo and support karde raho sade channel nu, jude raho. Till then, goodbye, stay healthy, stay safe.